सो हेलो एवरीवन आज का मेरा टॉपिक है एडी हॉफस्टी प्लॉट सो so, लास्ट लेक्चर में हमने एलबी प्लॉट और हेंस प्लॉट के बारे में बात करी थी सो so, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so, यहाँ पे ये यह जो एडी हॉफस्टी प्लॉट है इसकी जो डेरीवेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है एल इक्वेशन से स्टार्ट हो रही है दैट इज़ लाइन वीवर बर्ग इक्वेशन जो हमने निकाली थी लाइन वीवर बर्ग इक्वेशन हमने कैसे निकाली थी कि सबसे पहले हमारे पास में माइकलिस मेंटल इक्वेशन जो है दैट इज़ वी मैक्स इन सबस्ट्रेट सब्स्ट्रेट अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ये हमारी क्या आई थी दिस वॉज आर मेंटल इक्वेशन इस माइकलिस मेंटल इक्वेशन का आप क्या कर दो रेसिप्रोकल ले लो जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या हो जाएगा जो ऊपर वाली चीज़ है वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी सो so, हमारे पास रेसिप्रोकल करने के बाद में क्या आया वन अपॉन वी इज इक्वल टू के एम प्लस एस अपॉन वी मैक्स इंटू एस जहाँ पे एस क्या है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है के एम क्या है माइकिलेसमेंटल कांस्टेंट है और वी मैक्स क्या है मैक्सिमम विलॉसिटी है सो रेसी प्रोकल करने के बाद में हमारे पास में जो लाइन वीवर बर्ग इक्वेशन आई थी वो ये आई थी वन अपॉन वी इज इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स इंटू वन अपॉन सबस्ट्रेट प्लस वन अपॉन वी मैक्स तो ये हमने लास्ट लेक्चर तक कर लिया था जो हमारी एल बी इक्वेशन है दिस इज आर एल बी इक्वेशन ये हमारे पास आ गई थी तो अब हमें यहीं से स्टार्ट करना है सो so, ये रही हमारी एल बी इक्वेशन जो हमने निकाली थी अब इस एल बी इक्वेशन में जो लाइन वीवर बर्ग इक्वेशन है इसमें क्या आपको करना है बोथ साइड्स आपको वी नॉट इंटू वी मैक्स से मल्टीप्लाई करना है यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ वी नॉट इंटू वी मैक्स सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे साथ साथ में मल्टीप्लाई करना सो so, मैंने क्या बोला है इसको दोनों साइड में आपको क्या करना है वी नॉट इंटू वी मैक्स से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो so, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं सो वन अपॉन वी नाट इंटू वी नाट इंटू वी मैक्स इससे हमने आपको क्या करना है दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है तो इधर क्या आ जाएगा के एम अपॉन वी मैक्स इनटू वन अपॉन सबस्ट्रेट तो था ही आपको किससे मल्टीप्लाई करना है यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ वी नॉट इनटू वी मैक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है प्लस यहाँ पे वी वन अपॉन वी मैक्स है वन अपॉन वी मैक्स लिख देते हैं किससे मल्टीप्लाई करना है वी नॉट इन वी मैक्स से सो सिंपल आपने क्या करना है जो एल बी इक्वेशन थी उसको बोथ साइड वी नॉट इंटू वी मैक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर हम कट करें तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल हो जाएगा इधर भी वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा वी मैक्स वी मैक्स इज इक्वल टू के एम बच गया यहाँ पर के एम इंटू वन अपन सबस्ट्रेट इंटू वी नॉट प्लस में क्या आएगा आप यहाँ पर क्या बचा वी नॉट सो अब हम क्या करेंगे जो वी नॉट है वी नॉट को अगर हम इधर ही रखेंगे तो अगर ये चीज़ इस साइड जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस के एम इंटू वन अपॉन सबस्ट्रेट लेकिन हमें किस फॉर्मेट में चाहिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में चाहिए तो हम क्या करेंगे ये वाली जो हमारी टर्म है इसको आगे ले ले जाएंगे तो वी नॉट विल बी माइनस के एम वी नॉट अपॉन एस प्लस वी मैक्स तो ये ये वाली हमारे फॉर्मेट में आ गई दैट इज़ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सो यहाँ पर जो आपका y है y मतलब y एक्सिस s मतलब x मतलब x एक्सिस पे क्या टर्म रहेगी और एम का मतलब क्या होता है एम मीन्स स्लोप और सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट दैट इज़ इंटरसेप्ट ठीक है तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे क्या आएगा वी नॉट आएगा स्लोप क्या आएगी वट विल बी स्लोप स्लोप विल बी माइनस के एम एक्स एक्सेस पे क्या आएगा वी नॉट अपॉन एस एंड इंटरसेप्ट क्या होगी यहाँ पर वी मैक्स सो हमने y एक्सेस पे लिख दिया v नॉट x एक्सेस पे लिख दिया v नॉट अपॉन s दैट इज़ सब्सट्रेट कंसनट्रेशन तो हमारे पास जो प्लॉट आएगा वो इस तरीके से आएगा और ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट है दैट इज़ वी मैक्स इंटरसेप्ट क्या है वी मैक्स है स्लोप क्या आ गई माइनस ऑफ के एम सो यहाँ पर जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो क्या है दोनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल है ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन जो हमने हैंस प्लॉट में पढ़ा था अगर हम इस प्लॉट को हैंस प्लॉट से कंपेयर करें तो हैंस प्लॉट में हमने देखा था कि जो हमारे वाई एक्सिस था वाई एक्सिस पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था और x एक्सिस पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक्सेस पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द हेंस प्लॉट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अगर आपको इम्यूनोलॉजी के बाकी लेक्चर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे